नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में बुधवार यानी 15 दिसंबर 2021 की सुबह तक पिछले 24 घंटे में 6,984 नए कोविड-19 केस सामने आए हैं, जो कि कल के मामलों से 20.7% ज्यादा है। बता दें कि मंगलवार को 5,784 नए केस दर्ज किए गए थे। ये केस 571 दिनों में एक दिन में दर्ज होने वाले सबसे कम कोरोना के केस थे। वहीं आज 8,168 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या कुल 3,41,46,931 पर हो गई है। रामनगरी अयोध्या में पहली बार भाजपा शासित राज्यों के उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बुधवार को एक साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके परिवार के लोग भी अयोध्या पहुंचे। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। सांसद लल्लू सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने हवाई पट्टी पर अतिथियों की अगुवानी की। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 8वें हिंद महासागर संवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए क्षेत्र में शांति और समृद्धि पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद प्रशांत में शांति और समृद्धि की कल्पना करता है, जो विश्वास, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकार के रूप में समान पहुंचे विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और उन्नत समुद्री सहयोग पर आधारित हो। विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ रिश्तों में तनातनी पर करारा जवाब दिया है। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तानी ने साफ कर दिया है कि उनके और रोहित के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। वो पिछले कुछ सालों से लगातार ये बात कह रहे हैं और अब थक चुके हैं। इसके साथ ही विराट कोहली ने T20 सीरीज की कप्तानी से हटने के पीछे सौरभ गांगुली का हाथ बताया है। अब कुछ ही दिनों में नए साल 2022 का आगाज होने वाला है। बीते 2 सालों में भारतीय शेयर बाजार में परोक्ष रूप से निवेश करने वालों को शानदार रिटर्न हासिल हुआ है, तो अपरोक्ष रूप से भी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने वालों को भी बाजार में तेजी का खूब फायदा मिला है। लेकिन जो लोग बाजार में तेजी का फायदा उठाने से चूक गए, उनके सामने अभी भी बड़ा अवसर है। वो बाजार में अपरोक्ष रूप से SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर अपने लिए खूब पैसा बना सकते हैं। शीर्ष अमेरिकी सांसद के एक द्विदलीय समूह ने बाइडेन प्रशासन से तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ वार्ता करने के साथ ही तिब्बती मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सांसदों ने कहा है कि ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जो तिब्बत की विशिष्ट राजनीतिक, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मान्यता दे। ICC ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की डेट फाइनल कर दी है। वर्ल्ड कप शुरू होगा 4 मार्च से और फाइनल खेला जाएगा 3 अप्रैल को। मेजबानी न्यूजीलैंड कर रहा है। कार्यक्रम के अनुसार भारत अपने अभियान का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मैच में करेगा। अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में नौकरी करते हैं और PF आपका कट रहा है, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। EPFO ने PF खाता धारकों के खाते में ब्याज की रकम ट्रांसफर कर दी है, जिससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 22.55 करोड़ भविष्य निधि खातों में 8.50% की ब्याज दर जमा की है। तमिलनाडु को कुन्नूर में हुए सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे कैप्टन वरुण सिंह ने आज जिंदगी से जंग हार दी है। और बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज बेंगलुरु के एक अस्पताल में चल रहा था, जहां 7 दिन बाद आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बता दें कैप्टन वरुण उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के कन्हौली गांव के रहने वाले थे। पिछले साल एक उड़ान के दौरान बड़े टेक्निकल फॉल्ट की चपेट में आने के बाद अपने विमान को हैंडल करने के अदम्य साहस के लिए उन्हें 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लिखे गए एक पत्र के कथित रूप में लीक होने पर एक्टिव हो गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस अधिकारी के लिखे गए पत्र को लेकर के होने पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। पत्र में अधिकारी ने एक वरिष्ठ अकाली नेता के खिलाफ नशीली दवाओं में कुछ मामले में दोबारा जांच में कानूनी बाधाओं का हवाला दिया था। कृषि कानून और अन्य मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने के बाद किसान दिल्ली सीमाओं में वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकेत के नेतृत्व में सभी किसानों ने आज बॉर्डर को पूर्ण रूप से खाली कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने से पहले किसानों ने सुबह हवन किया और सभी को धन्यवाद देते हुए बॉर्डर खाली कर दिया। इस अवसर पर राकेश टिकेत और अन्य किसान अब जीत का जश्न मनाते हुए बॉर्डर से मोदीनगर, मेरठ, दौरौल और टोल प्लाजा, मंसूरपुर होते हुए सौरम और अपने गाँव सिसौली पहुंचेंगे।
संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान के लोग एक गहन मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं जो मानवाधिकारों के सबसे बुनियादी अधिकारों के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर एक मौखिक अपडेट में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उप उच्चायुक्त नाला अल नाशिफ ने कहा है कि युद्धग्रस्त देश की स्थिति प्रतिबंधों के प्रभाव राज्य की संपत्ति को फ्रीज करने से अधिक जटिल हो गई है। देश में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। केरल के कोट्टायाम जिले के वेचूर, अयमानम, कल्लार और पंचायतों में 3 मामले सामने आए हैं। नमूने को भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्था भेज दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बुधवार से बत्तख और अन्य पक्षियों को खत्म करने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 25,000 पक्षियों की जान ली जाएगी। जापान के वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की जांच का नया तरीका खोज निकाला है। जापान की क्योटो प्रीफेक्चुरल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जो मोबाइल की फ्लैशलाइट के जरिए बता देता है कि मास्क पहनने वाला कोविड-19 से संक्रमित है या नहीं। मोबाइल के अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट से भी इसका पता लगाया जा सकता है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामलों का पता चला है। हैदराबाद में नए पाए गए ओमिक्रॉन के मरीजों में केन्या के एक 24 वर्षीय नागरिक और सोमालिया के एक नागरिक का मामला सामने आया है। दिल्ली NCR में गुरुवार को शाम या रात में बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। साथ ही सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्का कोहरा भी रहेगा। ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने दैनिक पूर्वानुमान में दी है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मनांगुआगवा ने पहचान की चोरी जालसाजी को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के उद्देश्य से देश का ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। मनांगुआगवा ने मंगलवार को लॉन्चिंग समारोह में कहा कि यह कदम सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की सरकार की दृष्टि के अनुरूप है जो हरारे में एक नए पासपोर्ट नामांकन केंद्र के चालू होने के साथ मेल खाता है। अपने बयान से विवादों का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पास सुविधा है स्टेटमेंट ट्विस्ट करने की। आखिरी समय में बनारस वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि आखिरी समय में कोई नहीं बच जा सकता। यूपी की जनता को दुख मिला है, किसान दुखी है, जनता को डबल इंजन सरकार ने निराश किया है। अमेरिकी सीनेट ने देश की उधार सीमा को $2.5 ट्रिलियन तक बढ़ाने के उपाय को मंजूरी दे दी है। ये फैसला ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन की तरफ से तय किए गए डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले लिया गया है ताकि डिफॉल्ट होने से बचा जा सके। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जर्मनी के एक चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ पहली बार फोन पर बातचीत की, उन्हें इसराइल आने का न्योता दिया। पूर्व मंत्री भाजपा नेता राजा अरिदमन सिंह आगरा ने राशन कार्ड लाभार्थियों से मुफ्त अनाज के बदले लोगों से योगी जी को वोट देने का अनुरोध करते हुए वो नजर आए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो उस समय शूट किया गया था जब भाजपा नेता यूपी सरकार के राज्यव्यापी मुफ्त राशन वितरण अभियान के शुभारंभ पर राशन कार्ड धारकों से बात कर रहे थे। सत्तारूढ़ भाजपा कर्नाटक राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के रूप में माने जाने वाले विधान परिषद के चुनाव में एक साधारण बहुमत हासिल करने में विफल रही है। पार्टी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। कांग्रेस को भी इतनी ही संख्या में सीटों पर जीत हासिल हुई है। स्वीडन में महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 3.6% हो गई है जबकि अक्टूबर में 3.1% थी। ये आंकड़े सांख्यिकी स्वीडन ने एक बयान में साझा किए हैं। देश में 1993 के बाद अब महंगाई अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई है। उत्तरी गोवा के असोनोरा में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि अगर एक गुजराती पूरे देश में जा सकता है तो एक बंगाली क्यों नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार ममता ने कहा है कि मुझे बताया गया है कि मैं बंगाली हूं, फिर वो क्या है, वो गुजराती है क्या? हमने कहा कि वो गुजराती है इसलिए यहां नहीं आ सकते। एक बंगाली राष्ट्रगान लिख सकता है लेकिन एक बंगाली गोवा नहीं आ सकता। लखीमपुर खीरी पर ISIT रिपोर्ट, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कम से कम उन्होंने राहुल गांधी नोटिस देना तो शुरू कर चुके हैं, यह अच्छी बात है। महामारी के प्रकोप और प्रतिबंध लगाने के कारण शारीरिक कक्षाओं के लिए बंद होने के 20 महीने बाद आज यानी बुधवार को मुंबई में कक्षा 1 से 7 तक के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश बहुन मुंबई नगर निगम BMC के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मंगलवार को जारी किया है। इसके बावजूद भी परिजनों को ओमिक्रॉन की चिंता सता रही है।
विराट और रोहित के बीच मनमुटाव की खबरों के बीच पहले पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन ने ट्वीट करते हुए कोहली के लिए कहा था कि ब्रेक लेने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समय का ख्याल रखना चाहिए। वहीं अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खेल में बड़ा कोई नहीं होता, खेल ही सर्वोच्च है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किस खेल में किस खिलाड़ी के बीच में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही करण ने मीडिया को खूब घड़ी खोटी सुनाई है, जिसके तहत करण जौहर ने लिखा कि मीडिया के कुछ साथियों को बताना चाहूंगा कि 8 लोगों का एक साथ जमा होना कोई पार्टी नहीं कहलाता, और मेरा घर जहां कोविड को लेकर बहुत सख्त नियमों का पालन किया जाता है, कोई कोविड हॉटस्पॉट नहीं है। हम सभी जिम्मेदार हैं, सभी को मास्क लगाना चाहिए और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर कई देशों में मौजूद है। भारत में भी ओमिक्रॉन के केस जनवरी फरवरी के महीने में बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि जिस तरह डेल्टा स्ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी थी, हो सकता है कि यह वेरिएंट भी रफ्तार पकड़े। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के ज्यादा माइल्ड केस ही सामने आएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी किए गए ओमिक्रॉन की तेजी से बढ़ रहा है और अभी यह दुनिया के 77 देशों में मौजूद है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि ओमिक्रॉन से घबराने की नहीं बल्कि इसके ट्रांसमिशन को रोकने की जरूरत है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में राहत मिली है। अब आर्यन को हर शुक्रवार को मुंबई में एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने नहीं पहुंचना होगा। शाहरुख खान को ये राहत बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है, जिसमें जमानत की इस शर्त को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब भी SIT उन्हें समन भेजेगी, तब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दिल्ली में पेश होना पड़ेगा। बता दें कि आर्यन खान की तरफ से कोर्ट के सामने याचिका दी गई थी कि इस शर्त को खारिज किया जाए। मनीष माहेश्वरी ने एडटेक वेंचर के साथ काम करने के लिए ट्विटर इंडिया को छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि करीब 3 साल के बाद मैं शिक्षा और टीचिंग में सुधार लाने के लिए भारी मन से ट्विटर छोड़ रहा हूं। शिक्षा के माध्यम से विश्व स्तर पर बड़े बदलाव होने को लेकर के मैं उत्साहित हूं। मनीष माहेश्वरी ने कहा कि वो तनय प्रताप के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है मनीष पासवान, संतोष यादव, अनवर हुसैन, सचिन कुमार, ललन केसरी, जितेंद्र ठाकुर, नंजी परवीन, भगवान मिश्रा, नन्नू कुमार, रामबाबू कुमार, महेश मतवाला, अल्तमाज जावेद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए क्या भारत सरकार को दूसरे देश के साथ यात्रा प्रतिबंध लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।